नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्स में कहाँ यूज़ हो रहा है और कैसे यूज़ हो रहा है। तो चलिए आज इस बारे में वीडियो है, चलिए तो वीडियो शुरू करना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक कंप्यूटर है जो कि इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और खुद ही वो परिस्थिति के हिसाब से वो फैसले ले सकता है। तो कार में इसका यूज़ कहाँ हो रहा है? तो कार्स में यूज़ इसका तब से चालू हुआ जब से आप गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्शन आया है। फ्यूल इंजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब से इंट्रोड्यूस होने लगी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब कहा जाए तो इग्निशन कॉइल वगैरह, कार का ECU हुआ, इमोबिलाइज़र हुआ, जब से कार्स में सेंसर्स आ गए हैं तब से इनका चलन आ चुका है और ये डेवलप दिन प्रतिदिन होते ही जा रहे हैं। तो कार में इसका इस्तेमाल होता है ECU में, इमोबिलाइज़र में। तो ECU भी एक तरह का कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर कहा जाए तो स्टेज वन है, पहले स्टेज का ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब ECU आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा कैसे है तो चलिए उस बारे में भी बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो हिस्सा इसलिए है क्योंकि वो गाड़ी के ऊपर प्रॉपर नज़र रखता है, यानी इंजन के ऊपर, यानी ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है, रफ स्मूथ जैसे भी आप गाड़ी आपकी ड्राइविंग स्किल है, ECU उस हिसाब से इंजन्स में फ्यूल का फ्लो बढ़ाना और घटाना वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है। यानी एनवायरनमेंट में भी अगर नमी है या एनवायरनमेंट अगर जहाँ चला रहे हैं वो मौसम बहुत गर्म है तो ECU उस हिसाब से इंजन में भी छोटे मोटे बदलाव वो खुद कर लेता है। यानी वो डिपेंड नहीं होता कि जो गाड़ी चला रहा है वो उसे सही करे, यानी वो खुद ही वो कर लेता है। और दूसरी चीज़ है इमोबिलाइज़र गाड़ी में, जो कि आपके स्क्रीन पे माइलेज, किलोमीटर वगैरह और भी जो छोटी मोटी जानकारी बेसिकली जो आते हैं इमोबिलाइज़र में वो छोटी मोटी जानकारी मिलती है, लेकिन महंगी गाड़ियों में उससे ज़्यादा होता है। उसमें क्लाइमेट कंट्रोल और आपका बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर और भी बाकी सारी छोटे मोटे जो गैजेट्स आते हैं एक्सटर्नल, वो उनमें इनबिल्ट मिलते हैं। वो एक ही डिवाइस के अंदर सब कुछ मिल जाता है महंगी गाड़ियों में। तो ये जब सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं तब तैयार होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो गाड़ी के ऊपर प्रॉपर नज़र रख रहा है। लेकिन ये है कि वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको कुछ पॉइंट के लिए ड्राइवर्स पे यानी जो गाड़ी चला रहा है उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कितना हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब कंप्लीट डेवलप्ड हो जाएगा जब ड्राइवरलेस कार मार्केट में आ जाएंगी। अभी मार्केट में उनका प्रोटोटाइप आ चुका है और अभी वो कहा जाए तो टेस्टिंग में है। अब इसका चलन कब से चालू हुआ? क्योंकि जब पावर स्टीयरिंग आया है, क्योंकि अभी इंडिया में पावर स्टीयरिंग चल रहा है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग एक मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक का मिक्सचर है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोटर लगी हुई है उसमें, जिससे कि स्टीयरिंग का जो लोड मैनुअल में आता था वो ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट स्मूथ हो गया है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि अब डेवलप्ड हो रहा है तो अब आ गया है इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, यानी अब ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक है, यानी इसमें मैनुअल कुछ नहीं है। यानी इससे अब आप किसी रिमोट से या किसी और भी चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क वगैरह के थ्रू, जो भी आप रिमोट कंट्रोल हुआ वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये स्टीयरिंग का पर्पस ही था, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग का मेन पर्पस यही था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ चुका है। और क्योंकि गाड़ी में 360 डिग्री कैमराज, 360 डिग्री सेंसर्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, वो गाड़ी में टेस्ट हो रहे हैं, यानी गाड़ियाँ टेस्टिंग में हैं। बस उन्हें उन गाड़ियों में एक छोटा सा प्रोग्राम लगाना है जो कि स्टीयरिंग, ब्रेक्स और भी बाकी सारे सेंसर्स और कैमरे को एक तालमेल में यूज़ करके उसे ड्राइवरलेस कार बनाए। तो
तो बेसिकली यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। अगर इंडिया में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट ड्राइवरलेस कार आएगी तो उस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।